तबे गंजाम ट्रैफिक पुलिस रो अजब नीति ट्रक चालकों को विरोध रे हेलमेट फाइन कटा जाय छे। ब्रह्मपुर लुच्चापड़ा रो प्रमोद कुमार स्वाई जे की गाड़ी रो परमिट पई गंजाम आरटीओ कार्यालय को जाईथिले आ हेलमेट नाही बोली 1000 टंका तांको थारु चालान कटा जाय छे। तबे ट्रक को हेलमेट चालान समस्तों को चकित करी छे। पीतांबर नाहक आम ब्रह्मपुर प्रतिनिधि ए बाबद्रे आलोचना पई आम सहित सीधासळख जोड़ी उछंती। तबे पीतांबर ये समस्त को आश्चर्य निहाती करिवो जे आमे पूर्वर अनेक घटना एबली देखि छंती जदियो किंतु ये जो चित्र सामना को आसुछि जे जणे ट्रक ड्राइवर को हेल बिना हेलमेट रे आसीथिबार जो 1000 टका फाइन कटा दैछि पूरा घटना कोन तेबे जहाँ सूचना आसुची जे ब्रह्मपुर जो खबर आसुची जे गंजाम ट्राफिक पुलिस रो अजब नीति सामना को आसुची जे जणे ट्रक ड्राइवर को किभळी भाबे बिना हेलमेट आसीथिबार जहाँ तांकर उठारु फाइन कटा दैछि पाखापाखि 1000 टंका फाइन कटा दैछि जाकु कि समस्ते जाकु नै समस्ते चकित मध्य होइछंती जे बड़ प्रश्न आसुची जणे ट्रक ड्राइवर को हेलमेट पई किभळी भाबे चालान कटा दैछि। तबे बाबदरे खूब शीघ्र आलोचना पई जिबा हम प्रतिनिधि पीतांबर नाहक आम सहित जोड़ी। पीतांबर ट्रक चालकों को किभली भाव हेलमेट पे फाइन कटा दे निवेदन निश्चित भाव कहीपर गोटे अजब नीति देखा मिली ओडिशा ट्राफिक पुलिस द्वारा कहीं जो भाव जिते कुमार स्वाई अच्छा ब्रह्मपुर अंतर्गत लुचापड़ार प्रमोद कुमार स्वाई आउ से निजे मालिक अच्छा से निजे ट्रक चलाउं को चित्र देखी ये से ट्रक जो ट्रक से चलाउं जो भाव में विगत दिन में से ट्रक चलाउले जितेबले विलंबित राति क्यों दिन गोटे विलंबित राति जमीक कहींपर से ही ट्रक चालक जितेबले ट्रकटी धरिकी जाते सीधा सड़क फाइन पड़ा आ हेलमेट फाइन चालाण हो सब गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होते आरटीओ ऑफिस को जाते परमिट बांधापी आ परमिट बांधापी गला बेले सब जहाँ दस्तावेज देखने आसिकी से हेलमेट पर 1000 टंका फाइन पड़ा सेतेबेले से जापारी आपण को आम कागजपत्र देखाइबू जो भाव में पूरा नथिपत्र केमती चालाण हो आज्ञा केमती चालाण हो प्रथम कहतु आज्ञा मुझे केमती चालाण होते कौन कहीपर आरटीओ ऑफिस जो परमिट पाई गली न्यू परमिट पाई से देख ली आरटीओ ऑफिस बाहर मोर तीन टा फाइन रिसीट अच्छी से तीन टा फाइन रिसीट गोटे हेलमेट विदाउट हेलमेट बोली 1000 टाँ अच्छी आउ दीटा फाइन 500 कौन अच्छी से जिन जनरल फाइन बोली कौन कौन अच्छी परमिट फाइन क्लीयर कले आगे मतलब परमिट देवी कह सर फाइन क्लीयर कली परमिट धरिकी आसली आसला पर मत चालान रिसीट मत दिं चालान रिसीट दे देख ला बड़ू ये सब जिन निवेदा देखी पारुथिबे आम पाखरे मध्ये से दस्तावेज अच्छी जमते कि विथ आउट टू हेलमेट रो दस्तावेज कटा जाइछि बा चालान कटा जाइछि आपण को आम चित्र देखाऊ जो भाव में ये लिखा जाइछि विथ आउट टू हेलमेट 1000 फाइन कटा जाइछि सबुठ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होते बड़े जड़े ट्रक ड्राइवर से जितेबले काम करने जाते रास्तार गाड़ी चलाउं हेलमेट चालाण फी देवाक पड़ी आपत जितेबले जान भाव आपण को फी पड़ी से आपण कौन कले टा पैठ कले ना क्या कम्प्लेन कर कम्प्लेन टाँचा पैठ कला मत देवी बोली कहले सर बाध्य टा पैठ कर कागज पत्र देखिले आपण को हेलमेट फाइन पड़ी सी किसी कहले आपण को हेलमेट केमी फाइन पड़ा आपड़ जितेबले टा प्रदान करते हेलमेट फाइन पड़ी आपन को भूल होता पारे ट्रक नंबर रही मत ये सब जिन अनलाइन रे मुझे परमिट काटली ये सब जिन मत आए किसी कही ना मुझे जो चालान काटली अनलाइन रे चालान काले ये सब जिन देख ली जितेबले आप जो हेलमेट पाई ट्राफिक पुलिस की जनइले एमती मत फाइन पड़ी बोली मुझे बर्तमान सुधा ट्राफिक पुलिस जाए आपण मानक डाक आगे ये सब जिन कर किमती देखुन जिते बार रास्ता उपरे ट्रक चलाउं आपण को हेलमेट रो जरिमाना देवाक पड़ी ए भितर गोटे अजब नीति देखा जाऊ ट्राफिक पुलिस रे एमती केमती हम केत आपण फोटो गोटे उठाई देखते आपड़ परमिट बांधिया गला पैसा देवा पड़ी
ସେ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଯାଇ କହିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ଆମର ତ ପରମିଶନ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଇଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଆଗରୁ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଗରୁ ଅନେକଥର ହେଇଛି, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ବାନ୍ଧି। କେତେ ଥର ଏମିତି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବେଆଇନ ଫାଇନ୍ ନିଆଯାଇଛି? ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଖଣ୍ଡେ ନିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଏମିତିଆ କରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ନିବେଦା, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ, ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାଳକ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ରାତି 11ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଫାଇନ୍ କଟାଗଲା? ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, ସେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ କଟାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଟ୍ରକ୍ ଅଛି, ସେଇ ନମ୍ବର ଅଛି, କାଗଜପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟ୍ରକ୍ର ସେଇ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରରେ କେମିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲାଣ କଟାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚକିତ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପେମେଣ୍ଟ ଡେଲିଭରି କଲେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆରଟିଓ ତରଫରୁ କୁହାଗଲାନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲରେ ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି, ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଭୁଲ ଚାଲାଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆସିକି ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ? ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଏମିତି ଭୁଲ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିବେଦା, ତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲାଣ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉନି, ସେପଟେ ବିନା ଦୋଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଭଳି ଚାଲାଣ କଟାଯାଉଛି, ଇଏ ଚିତ୍ର ଯାହା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।